अच्छा नहीं, राजपूत समाज कड़े इतना कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, लेकिन मेरा कहना है कोई भी विषय में जो ड्रग्स माफिया इन्वॉल्व है, सीबीआई को जांच चली गई है, सीबीआई अपना काम कर रही है, मीडिया में ये सब जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो जया बच्चन जी हो चाहे बाकी लोग हैं, फिर जाँच होगी, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सुशांत सिंह की मौत की जांच लगातार मीडिया के माध्यम से जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो अच्छा है, चलना चाहिए, लेकिन जया बच्चन जी कल जो कह रही है, मेरा कहना है बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और कंगना रनावत ने जो हिम्मत और साहस के साथ वहाँ का ड्रग्स माफिया, वहाँ का एक कॉकस, वहाँ का अंडरवर्ल्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई है, हम उसके साथ हैं। मध्य प्रदेश में उन्हें जाल लगा दी, अंदर तक की आते हैं, लीवर किडनी सबको लगा के मेरे बड़े भाई पे हजरत एक्ट लेके मेरी माता जी को उठाने का प्रयास किया है। हम एक अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, तो दिग्गी जैसे लोग हमको कहीं नहीं लगते हैं। इसलिए दिग्गी में जितनी ताकत थी, जितनी हिम्मत थी, पूरा जोर लगा दिया। क्या है कि ये सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं दिग्गी को पूछना चाहता हूँ, राजा दिग्गी राजा जी को आरोप लगाते हैं कि हमारे विधायक खरीदे हैं भाजपा ने, भाई मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनका भाई लक्ष्मण सिंह सगा भाई एक माह से पैदा माननीय बलबत सिंह जी का बेटा, दोनों सगे भाई लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो मैं दिग्विजय सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या वो पैसे लेके बिकाऊ आदमी था आपके कुल का खून? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लक्ष्मण सिंह बिका हुआ पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी में आए थे? जो आए हैं वो आपकी कुशासन की नीतियों के खिलाफ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 3.5 साल करेगी करेगी करेगी। ये जो देख रहे हैं वो ऐसे देखने की उनको इजाजत।